खबर लालगंज से है, जहां लालगंज में सोमवार की सुबह करताहा थाना अंतर्गत घटारो चौक पर पूर्व मुखिया एवं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ललन सिंह को तीन नकाबपोश अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे ललन सिंह घायल हो गए, जिसे आनन फानन में हाजीपुर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार करने के उपरांत बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस दो खोखा बरामद की है। बताया गया कि एक अपाचे मोटरसाइकिल पर तीन संदिग्ध अपराध कर्मी की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई है, जो लालगंज के तरफ से गोली चलाते हुए हाजीपुर की तरफ निकल गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग जुटकर सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद करताहा थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर यातायात शुरू करवाया। वहीं इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखी जा रही है, लेकिन वैशाली एसपी रवि रंजन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि गोली लगने से घायल ललन सिंह पिता स्वर्गीय रामजतन सिंह ग्राम घटारो थाना करताहा जिला वैशाली निवासी, जिसे अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दी गई है, वो ललन सिंह खुद एक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके ऊपर करताहा थाना एवं लालगंज थाना में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। करताहा थाना कांड संख्या 54/2021, 74/2020, 115/1995, 120/1994, 92/1991, 27/2012, 31/2012, 64/2021 आर्म्स एक्ट, 16/2015 एवं लालगंज थाना कांड संख्या 411/2022 आर्म्स एक्ट, यानी कुल 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। गोली मारने वाले अपराधी की तलाश जारी है। जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।